नमस्ते दोस्तों, अमित कुमार एक बार फिर से आपके साथ इन crowd.com शो में। और आज हम देखेंगे अपने किसी भी करप्टेड पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिर कोई एसडी कार्ड है अगर आपके पास, तो उसे कैसे रीसेट करते हैं और फिर से दोबारा हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कभी या कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी पेन ड्राइव आपने सिस्टम में लगाया और करप्ट हो गया। कभी कभी शो करती है, कभी कभी नहीं शो करती। शो करती भी है तो उसमें फॉर्मेट का ऑप्शन आने लगता है कि आप उसे फॉर्मेट करो, देन आप उसको यूज कर सकते हो। आप फॉर्मेट भी कर लेते हो मजबूरी की वजह से कि अब यार कहीं पेन ड्राइव ख़राब ना हो जाए। फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट होता नहीं है, फिर वही करप्टेड। इट मीन्स कि उसकी सिस्टम फाइल करप्ट हो गई है, बस उसके सिस्टम फाइल को रिसेट कर लो, उसके सिस्टम फाइल को रिकवर कर लो, देन आपका पेन ड्राइव फिर से चलेगा। तो वही यूटिलिटी हम सीखेंगे अपने लैपटॉप पे। तो आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे अपने पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और एसडी कार्ड को रीसेट करें। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूं और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये कमांड, ठीक है, जिस कमांड के विषय में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ये वही कमांड है। वन बाय वन कमांड को हम चलाएंगे और चलाकर देखेंगे कि अपने करप्टेड पेन ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को या एसडी कार्ड को कैसे रिपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसा कोई पेन ड्राइव है नहीं जो करप्टेड है, और जिन लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम होगी ये उनके लिए है। वो कैसे जान सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेरे पास ये पिक है, ये मेरे पास वॉलपेपर है, मान लीजिए ये एसडी कार्ड है, आप देख रहे होंगे ये एसडी कार्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए फैट 32 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जैसे कि अगर आप यहाँ पर सी ड्राइव देखेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में है ना। अभी क्या है कि एसडी कार्ड जो है ये मेरा, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जानते होंगे, क्योंकि मेरे पास करप्टेड पेन ड्राइव नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, या मैं फोटो दिखा रहा हूँ। उसके बाद आइए चलते हैं कि हम अपने पेन ड्राइव को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूँ अपना माई कंप्यूटर खोल के। यहाँ पर ये मेरा एसडी कार्ड है जो कि वर्किंग कंडीशन में है, और ये सारे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे खराब करके तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब इसी को मान लीजिए ये हमारी पेन ड्राइव, मान लीजिए ये एसडी कार्ड हमारी खराब है, अगर लाइक जो मैंने फोटो आपको दिखाया अभी, यहाँ पर चल के मैं दिखाता हूँ आपको वो फोटो। ये वो फोटो है, ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए करप्टेड है, तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। और आप जब पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाते हो तो यहाँ पर भी दिखाता है, अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सीनेरियो होगा, और ये जो पेन ड्राइव है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आके दिखा देता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे, और अब कैसे इस यूटिलिटी को कैसे हम परफॉर्म करेंगे वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो विंडो आर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर रन का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर करते हैं CMD। ध्यान दीजिएगा CMD, कोई गलती मत कीजिएगा, CMD कमांड को हम लिखेंगे और ओके कर देंगे, तो ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो पहला कमांड मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको भी सुविधा हो और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आइए चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, पहला कमांड लिखते हैं diskpart। diskpart में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर यस कर दीजिए। diskpart जैसे ही करेंगे तो अगर 7 में है तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, कभी कभी नहीं। तो जैसे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ गया है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए diskpart के अंदर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरा कमांड चलाएंगे, list disk, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया इंटर। अब यहाँ पर आपके सिस्टम में जितने भी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव या जितना भी स्टोरेज होगा दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्क 0 दिखा रहा है ना, और डिस्क 1 दिखा रहा है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके सिस्टम में कितने हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं। तो देखिए मेरे में दिखा रहा है 931 GB, मतलब ये मेरा हार्ड ड्राइव हो गया। और जो दूसरा दिखा रहा है एक्सटर्नल, मैंने लगा रखा है डिस्क 1 ऑनलाइन, ठीक है, ये लमसम 8 GB का है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर
ये मेरा एक्सटर्नल जो है मैंने लगा रखा है ये 7.3, तो ये उसी के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि ये 8 GB की मेरी एक्सटर्नल, तो हम इसी के ऊपर यूटिलिटी करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी करप्टेड पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव को यहाँ पर अटैच करोगे तो ऐसे ही वो डिस्क दिखा देगा, आप उसको क्लियरली अच्छे से फाइंड करके ही यूटिलिटी को आगे बढ़ाएं, अदरवाइज कोई दूसरी मान लीजिए आप जीरो या फिर कोई दूसरा आपके सिस्टम में दिखा रहा है उसे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपका विंडो करप्ट हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो अब मैं यहाँ पर करूंगा सिलेक्ट, यहाँ पर आप देखिए मेरा अगला जो कमांड है सिलेक्ट डिस्क 1, अब हमें इसे चलाना है तो आइए चलते हैं SELECT सिलेक्ट स्पेस DISK डिस्क स्पेस 1। अब हमने क्या किया है अपने उसको सिलेक्ट कर लिया है अपने SD कार्ड को, इसलिए डिस्क 1 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ना कि डिस्क 0 को, और यहां पर सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है इंटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्ट 1 हमारा डिस्क सिलेक्ट हो चुका है, अब हम इसे करते हैं क्लीन, ठीक है, यहां पर मैं करता हूं क्लीन, क्योंकि अगला कमांड यहां पर आप देख सकते हैं CLEAN, ठीक है। अब मैं यहां पर चलता हूं CLEAN क्लीन और इंटर, अब मेरे उस SD कार्ड को ये क्लीन कर चुका है, उसमें जो भी डेटा होगा वो खत्म हो चुका होगा, तो इस चीज का ध्यान देना। अगला कमांड क्या है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है, यहां पर मैं आता हूं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, यहां पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी, देन मुझे यहां पर इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल हो गया है कि पार्टीशन उसके अंदर क्रिएट कर चुका है। अब यहां पर मैं एक्टिव, हमारा अगला जो कमांड है वो एक्टिव है, मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, बहुत से लोगों को अगर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो टाइप कर ले, मैंने एक्टिव। अब हमें अपने इस SD कार्ड को या फिर पेन ड्राइव को जिसके ऊपर आप यूटिलिटी कर रहे हैं उसको एक्टिव करना है, एक्टिव का कमांड चलाएं और इंटर की प्रेस को प्रेस कर देना है, मैंने इंटर की बटन को प्रेस कर दिया, ये एक्टिव हो चुका है, ठीक है। आप देखिए मैसेज यहाँ पर दे रहा है पार्टीशन इज एक्टिव, है ना। अब हम यहाँ पर चलाते हैं अगला कमांड सिलेक्ट पार्टीशन 1, ठीक है। अब हम यहां पर अगला कमांड हमने चलाया सिलेक्ट पार्टीशन 1 सिलेक्ट स्पेस पार्टीशन स्पेस 1, देन इंटर की को प्रेस करते हैं, फिर से वो सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको ध्यान देना है जो अगला कमांड है फॉर्मेट, कॉपी कर लेता हूं मैं यहां से, ठीक है, और यहां पर चला देते हैं फॉर्मेट स्पेस FS इज इक्वल टू FAT32। FAT32 क्या होता है, ये फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा होता है NTFS जो कि न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप FAT फाइल सिस्टम का उपयोग करेंगे 32 का, और यहां पर आप करते हैं इंटर की प्रेस को ऑन। जैसे ये करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 0% कंप्लीटेड, ये 0 है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए 100 तक जाएगा। आप यहां पर जाइए और चेक कीजिए, यहां पर देखिए अभी ये ऑन पीरियड में था लेकिन अभी इसके ऊपर ये यूटिलिटी काम कर रही है, इस वजह से ये वर्किंग में है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा स्पेस जैसे ये है और ये पूरा सी ड्राइव डी ड्राइव दिखा रहा है, ऐसे नहीं दिखा रहा। तो अब जब तक ये 1, 2, 3, 4 हो रहा है कंप्लीट हो रहा तब तक हम वेट करेंगे, क्योंकि इसी टाइम पे इसी पीरियड पे आपकी उस पेन ड्राइव के हार्ड ड्राइव का जो फाइल सिस्टम करप्ट हुआ है जिसकी वजह से आपकी पेन ड्राइव नॉट वर्किंग है वो कंप्लीट करेगा और फाइल सिस्टम को रिस्टोर कर रहा है एक तरीके से। तो आइए अब वेट करते हैं, जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बात करते हैं। तो दोबारा मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप यहां पर देख सकते हो ये 100% कंप्लीट हो गया है, आपने यहां पर देखा ये 100% कंप्लीटेड, ठीक है। तो बस इसी को आपको यूज करना है, ये जो कमांड मैंने आपको दिया 1x1 इस सारे के सारे कमांड को यूज करना है और ये यूटिलिटी आपकी यहीं पर फिनिश हो जाती है। तो मैं अब इसे कर देता हूं बंद यहां पर, या फिर आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं,
EXIT एग्जिट इसे बोलते हैं, और यहाँ सर आप निकल आते हो बाहर। ठीक है, अब आपकी पेन ड्राइव जो करप्टेड होगी, यहाँ पर देखिए अभी तक पहले की तरह यहाँ पर दिखा रहा था, ये पूरा का पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा था, अभी ये ओपन हो गया है। तो इसकी जो करप्टेड फाइल थी, सिस्टम फाइल थी, वो रिपेयर हो चुकी है इस कमांड के थ्रू। ये सारे के सारे जो कमांड आप देख रहे हो इस कमांड के, ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चला सकते हो और अपने पेन ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को या फिर किसी एसडी कार्ड को अच्छे से रिस्टोर कर सकते हो जो कि करप्ट हो चुकी है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेरे मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, सब पे मुझे फॉलो कर लो, मुझसे जुड़ो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।